नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं टीवी इंडस्ट्री के SRK यानी कि शाहरुख खान टीवी इंडस्ट्री के करण पटेल की हम बात कर रहे हैं। करण पटेल जो है पूरी तरह से कंफर्म बताए जा रहे हैं बिग बॉस के 16वें सीजन के लिए। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि बिग बॉस के 16वें सीजन में अब होगा धमाल। एक्वा थीम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और बिग बॉस के 16वें सीजन का सेट जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और करण पटेल जो कि रमन भल्ला के नाम से जाने जाते हैं टीवी इंडस्ट्री के, वो भी पूरी तरह से कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों, करण पटेल ने ऐसी कौन सी बड़ी शर्त रखी मेकर्स के सामने जिससे मेकर्स के उड़ गए पूरी तरह से होश और मेकर्स को जो है उस शर्त को मानकर करण पटेल को जो है एंट्री करवाना पड़ रहा है बिग बॉस के 16वें सीजन में। ये बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों आज की खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात कि करण पटेल ने आखिर ऐसी कौन सी शर्त रखी। सबसे पहले आपको बताते हैं करण पटेल जो है टीवी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी मतलब सक्रिय भी हैं और अपने बयानबाजी के चलते जो है बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट को जो है काफ़ी परेशान कर चुके हैं, जिनमें हीना खान का नाम शामिल है और जिनमें जो है करण कुंद्रा का नाम शामिल है और तेजस्वी प्रकाश को लेकर भी वो एक आध बार जो है नेगेटिव जो है वो बोल चुके हैं। तो ये बात जो है मतलब पूरी तरह से अब वो सारे के सारे दुश्मन जो है वो एक्टिव हो चुके होंगे। अब आपको बताते हैं करण पटेल की कौन सी शर्त थी। करण पटेल की शर्त थी पैसों को लेकर। करण पटेल ने इतनी ज़्यादा रकम मांगी शो के मेकर से, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि 6 से 7 करोड़ रुपए जो हैं वो मांगे हैं टीवी इंडस्ट्री के SRK यानी कि करण पटेल ने मतलब इस शो में आने के लिए। तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। और करण पटेल ने ये शर्त मांगी है शो के मेकर्स से और शो के मेकर्स इसे इस शर्त को जो है मानने से इंकार भी नहीं कर रहे हैं और उनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि SRK कहे जाते हैं टीवी इंडस्ट्री के और काफ़ी बड़ा नाम है। काफ़ी सालों से इन्हें अप्रोच किया जा रहा था लेकिन अब तक जो है इनका नाम कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब जाकर इनका नाम जो है वो कंफर्म होने वाला है, मतलब हो सकता है। तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। तो करण पटेल को आप देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। करण पटेल के साथ साथ दिव्यांका त्रिपाठी भी आ रही हैं, इस तरह की बातें इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। दिव्यांका और करण को एक साथ देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएँ।